हंस के दिखाने जरा कैसे हंसते हो आप देखो। अब बस डर इस बात का लगता है कि रुद्रांश उसके साथ छेड़खानी नहीं। सोच रही थी ना थोड़ा सा आराम कर लूंगी, बट आराम आराम का तो कोई नामो निशान नहीं है। बहुत बेसब्री से इंतजार करता है मैं ब्लॉग कब स्टार्ट करूं ये कब बोल पाए। पहले आप वेलकम कर लो फिर आप वेलकम कर लेंगे। वेलकम कर लो, बोल दो हेलो। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और सब अपने अपने घरों में होंगे। हम भी अपने घर में ही हैं, घर के अंदर ही हैं, घर से बाहर कहीं नहीं निकल सकते हैं अभी इस टाइम पे। ना घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, जान है तो जहान है, किसने सही बोला है। रुद्रांश के पापा की तबीयत थोड़ी ऐसी है, मतलब वो ये बोल रहा है मेरी प्रॉपर ना नींद नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जब नींद नहीं होती ना तो बॉडी में अजीब ही लगने लग जाता है। बाकी तो सब ठीक है, अभी हम दोनों ठीक हो चुके हैं, फिट एंड फाइन है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छा शेयर करने वाली हूँ, कुछ अच्छा, मतलब कि जो नहीं भी खाता होगा ना इंसान वो चीज़ तो खाने वाला है, 100% खाने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और आज की रेसिपी अगर आप लोगों को सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, लाइक करना वीडियो को अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और सब्सक्राइब करना। एंड मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। और इनको नैला धुला दिया है, रेडी कर दिया है, और ये देखिए फिर से बनाना में तले हो गए हुए क्योंकि ये बस मम्मा थैंक यू। ओके ओके थैंक यू, इसकी बात जरूर सुननी पड़ती है, नहीं सुनो ना तो। तो चलिए चलते हैं किचन में, आज मैं आप लोगों को मस्त वाले करेले खिलाने वाली हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? किचन में ही चलते हैं, वही खाते हैं। सबसे पहले मैं करेले फ्रिज में से निकाल के रख के आई हूँ, तो पहले उनको छील लेते हैं, वही चलते हैं किचन में। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपने अपडेट देते रहते हैं, हमारी मस्ती वस्ती चलती रहती है, वहाँ पे भी हमारी रुद्रांश की मस्ती चलती रहती है। हंस के दिखाने जरा कैसे हंसते हो आप, दिखा तो दो जरा कैसे हंसते हो। आप लोगों को भी हंसी आई, मुझे भी आ जाती है इसकी हंसी देख के। थैंक यू। ये देखिए यहाँ दोनों पापा बेटे की मेजोरिटी लगी हुई थी, हम यहाँ पे आके बैठे तो ये दोनों ना भाग लिए। फिर हम क्या करते हैं वहाँ बैठ के अकेले, तो हम भी अपनी मनपसंद जगह पे आके अपनी सब्जियाँ काटने लगे हैं। तो मैं भी फिर वापस से किचन में आ गई हूँ, मैंने सोचा चलिए ये लोगों से बात कर लेंगे, वहीं पर बैठ के अपनी सब्जियाँ भी कट कर लेते हैं, बट ये लोग ज़्यादा देर टिके नहीं तो हम अपनी जगह आके सब्जियाँ कट करने लगे हैं। तो ये देखिए आज बनाने वाले हैं हम करेले, तो आप सबको करेले खिलाने वाले हैं, करेले के मज़े लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पे करेले के मैंने ना छिलके निकाल दिए हैं, और छिलके हम ना फेंकेंगे नहीं, इनको अच्छे से रखेंगे छिलके, क्योंकि हम स्टफिंग जब करेंगे ना तो इन छिलकों की स्टफिंग करेंगे। और यहाँ पे करेले के छिलके मैंने अच्छे से निकाल दिए, उनमें बीच में कट लगा दिया है, और उसके बीजे वगैरह जो थे ना वो सब निकाल दिए हैं। और बस ये देखिए यहाँ पे मैं स्टीम कर लेती हूँ करेले को, स्टीम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे उसकी ना कड़वाहट ना निकल जाएगी, कड़वाहट नहीं रहेगी। तो बस स्टीम करने के लिए मैंने वहाँ पे करेले की स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हुए हैं, धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, कलौंजी। तो धनिया और मैंने सौंफ ना 2 चम्मच लिया हुआ है, और बाकी का थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब कि आधा आधा चम्मच लिया हुआ है। तो बस इनको ऐसे भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जब तक इनकी ना खुशबू नहीं आने लग जाती, स्लो गैस पे सेकेंगे, जलाएंगे नहीं इनको, प्रॉपर चलाते रहेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। और जब अच्छी सी खुशबू आने लग गई है ना तो बस इनको हमने उतार लिया है, गैस बंद कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मसाला जब तक हमारा तैयार है तब तक हमारे करेले भी पक के तैयार हो गए हैं, और अच्छे से स्टीम हो गए, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, उसमें हींग डाल दिए और सरसों के तेल में ही बनाएंगे हम करेले, क्योंकि सरसों के तेल में करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो तेल अच्छे से ना गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने हींग डाल दिए और जो छिलके हमने निकाले हुए थे करेले के वो डाल दिए हैं, बीजा डाल दिए हैं। बीजे को हम फेंकेंगे नहीं, करेले का सारा पार्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे करेले हैं ना जो बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। तो बस यहाँ पे करेले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, जो छिलके हैं ना उनको बहुत अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि उसकी कड़वाहट निकल जाए। बस एक बड़ा सा प्याज डाल दिया उसमें कट करके, और लहसुन डाल दिया एक चम्मच भर के। तो बस इसको अच्छे से भून लेते हैं और मैं दिखाती हूँ रुद्रांश ने क्या काम किया। आप लोगों को क्या किया आपने, ये अंदर फैला दिया, बन नेट वेस्ट हो गया ना, जल्दी की ना, नेक्स्ट टाइम टच करोगे आप? नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, ओके। तो अभी करेले बने कहाँ हैं, फिर से लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने ना जो खड़े मसाले अपने जो रोस्ट किए हुए थे उनको ले लिया है मिक्सी के जार में, और यहाँ पे धनिया, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया हुआ है। तो इन सारे मसालों को ना मैं एक साथ ही मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी और इनका अच्छा सा ना पाउडर जैसा बना लेंगे। जब ना हम खड़े मसाले का ऐसा कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी अलग से निखर के आता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे ना जब छिलके ना अच्छे से भून गए थे, मतलब पानी वगैरह जो प्याज में था वो सूख गया था, उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए। तो मसाले के साथ भी इनको अच्छे से भून लेंगे एक दो मिनट तक। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है और बस इन सबको अच्छे से भून लिया है, और एक साइड मैंने ना दाल को भी फ्राई कर दिया है। तो दाल भी हमारी बनते जा रही है, साथ ही साथ और भी काम होते जाते हैं, तो साथ ही साथ बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है, जो हमें स्टफिंग करनी है जिस मसाले की। उसके बाद यहाँ पे मसाला थोड़ा सा हमारा ठंडा हो गया था, उसमें मैंने एक बड़ा सा नींबू डाल दिया है निचोड़ के, अमचूर पाउडर डाल दिया है और धनिया पत्ती डाल दी है। तो ये देखिए कितना ये अच्छा दिख रहा है ना। और बस इसके बाद हम थोड़ा सा मसाला लेंगे और करेले के अंदर भर देंगे, थोड़ा थोड़ा भर देंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो अंदर जाके जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा दबा दबा के हल्का हल्का भर देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारे करेले भर लिए हैं। और चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है, सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है क्योंकि करेले में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा नमक का, नमक डाल दिया और हमने सारे करेले इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि अभी हमें इसको थोड़ा सा तेल में सेकेंगे जिससे कि हमारे करेलों में और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम तेल में भी सेक लेते हैं, और इनको उलटते पलटते रहना है नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये देखिए करेले हमारे सिक गए हैं और मैंने थोड़ा सा ना साइड में कर दिए थे किनोर तरफ को, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना वो निकल जाए। तो ये देखिए करेले हमारे बन के हो गए हैं तैयार, और आज हमारा लंच में यही है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो चलिए सबसे पहले रुद्रांश के पापा को दे देते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे मेरी मीटिंग है, तो मैंने कहा सबसे पहले आप खा लो फिर हम लोग खा लेते हैं। तो इनको मैं रूम में ही देने जा रही हूँ। क्यों हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मैं ना जस्ट अभी किचन से फ्री होते हुए आ रही हूँ, और मस्त सच मैंने इतने टेस्टी करेले बने हुए है ना, कड़वे तो ना बिल्कुल भी नहीं थे। और आप लोग भी ट्राई करना और मुझे फिर बताना आप लोगों के करेले भी कैसे बने हुए हैं। और अभी टाइम हो रहा है, कितना बज गया, एक बज गया है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी अगर कर पाया। रेस्ट कहाँ करूँगी, मैं बेड की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को। जब तक मैं किचन में थी जब तक इसने क्या किया, किचन में वैसे भी एक काम फैला के आया था, इसने एग गिरा दिया था वहाँ पर, तो एग की स्मेल से समझ सकते हो क्या होता है, जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए तो स्मेल ही है। और बेड की हालत देखिए, मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी, बट आराम आराम का तो कोई नाम निशान नहीं है। लोग बोलता है इधर वीडियो को दिखाते हो, पेन आके बदली, हां ट्रेन ऊपर है, एक एक ऊपर है, एक अच्छा नीचे है, सीधे बराबर करो एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं देखिए इस लड़के ने ना सारा सामान इधर ही लाके रख दिया है, पूरा टॉयज यहीं पे लगा रखी है, ये उसका फैला है, इसको लेके वो ना सब जगह घूमता है, ना बैठ के उसकी ना पजल्स बन रही है। तब तक ना मैं किचन में थी जब तक इन्होंने ना पूरा बेडरूम में ना खिलौने खिलौने फैला दिए। तो वो ही रहता है बच्चों को, अगर नहीं देखो ना तो यही करते हैं। तो अगर बेडरूम का साफ करो तो हॉल में फैला देते हैं, हॉल में साफ करो तो बेडरूम में फैला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा खिलौने तो भर ही दिए, साथ में मुझे ना बेडशीट भी आज चेंज करनी थी, हफ्ते भर से चेंज नहीं की थी,
और अभी सब मतलब सब घर में ही हैं, और फिर अभी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी चेंज कर देते हैं, वही है ना बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए बच्चे के साथ में, तो बच्चे की क्या वैसे भी साफ सुथरा ही रहना चाहिए, तो हफ्ते भर में बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बेडशीट में चारों कॉर्नर में ना गठान लगा देती हूँ, जिससे कि ना बेडशीट वो खिसकती नहीं है और फिर निकलती भी नहीं है, बच्चे के साथ थोड़ा सा सही रहता है, तो अच्छे से सारा दिन ना बिछी रहती है फिर वो। तो बस शाम की मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी साथ के साथ ही, और अभी मैं ना गमलों में जो तुलसी जी लेके आई थी तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मैंने कहा मिट्टी से की गुड़ाई कर देती हूँ, जिससे कि पेड़ ना अच्छे से हो जाएंगे। तो अभी ना मैंने सारे पेड़ों की ना गुड़ाई कर दी, ये इसमें लगा हुआ है स्नेक प्लांट उसकी भी गुड़ाई कर दी, और तुलसी जी लेके आए हुए थे ना मैंने बताया था आप लोगों के लिए, तो तुलसी जी को लगा दिया था हमने दूसरे दिन ही, और तो अभी अच्छी हो गई है, ठीक ठाक हो गई, तो मैंने थोड़ी सी ना गुड़ाई कर दी है मिट्टी की, जिससे कि वो थोड़ा उनकी ना पत्तियाँ अच्छे से हो जाएँ। और बाकी के ये वाला जो पेड़ था ना जो ये नीम का यहाँ रखा हुआ था ना, तो वो रस्सी से टकरा रहा था क्योंकि यहीं पर कपड़े डालते हैं, तो उसको अभी नीचे रख दिया क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब बस डर इस बात का लगता है कि रुद्रांश उसके साथ छेड़खानी नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक पेड़ रखा हुआ ना, तो वो कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है, मिट्टी खोदेगा या कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो अभी रख दिया है, उसकी उस पर नज़र रखनी पड़ती है बराबर, नहीं तो वो फिर पता नहीं क्या क्या कर देता है, यहाँ से मिट्टी ले जाके बाथरूम में डाल देता है, फिर बाथरूम में ना मिट्टी का काम करता है वो। ये देखो मैं आप लोगों को बता रही थी ना ये मिट्टी का क्या काम करता है, इसने देखो मिट्टी इसके हाथ लेके आया होगा बाहर से, और बोर्ड का बटन चालू किया होगा तो पूरे बोर्ड पे मिट्टी कर दी है इस लड़के ने, ऐसे काम करता। चाय पियोगे? उठ जाओ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है, शाम का मतलब 6:30 बज गया है, तो ये लेटे हुए हैं, वही मैंने कहा जितना देर लेटे रहेंगे आलस जैसा रहता है ना, तो बॉडी में उतनी ज़्यादा हरारत जैसी रहती है, तो सोने के बाद थोड़ा सा लगता है, तो अभी मैं इनके लिए चाय बना लेती हूँ, इनके लिए क्या मैं भी पीऊँगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा चाय पसंद नहीं, बट इनकी संग सोबत मैं थोड़ा बहुत एकादों से मार लेते हैं हम भी, तो चलिए चाय बना लेते हैं सबसे पहले, तो शाम का टाइम हो रहा है, रुद्रांश को उठाऊंगी क्योंकि वो सो रहा है अभी। तो ये देखिए शाम वाली हमारी चाय बन के हो गई है तैयार, आ जाइए आप सब भी चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैं रुद्रांश के लिए दूध लड्डू रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको ना सुबह और शाम में दोनों टाइम दूध लड्डू देती हूँ, तो चलिए हम चाय पी लेते हैं पहले तो। मम्मा का गया पूरा। अच्छा पापा टीवी देख रहे हैं ना, आवाज़ आ रही है, गेट बंद कर दे पहले मम्मा, फिर बात करेंगे ठीक है। ये आप सबसे पहले ये बताओ ये बोर्ड का क्या हाल किया आपने, मिट्टी क्यों लगाई बोर्ड पे? बोर्ड पे पानी डालते हैं, करंट लग जाता है। तो बस मैं चाय पी ली, अभी बनाऊंगी खाना वगैरह, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम है अभी काफ़ी, तो अभी मैं थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको पढ़ने के लिए बैठा लेती हूँ, क्योंकि इसकी मैम ने ना होमवर्क भेजा हुआ है, तो इसको होमवर्क कल इसकी फिर क्लास है, तो कल इसकी क्लास में ना होमवर्क मैम चेक करती हैं, तो इसको होमवर्क करवाऊँगी। वीडियो देखने में आप लोग ना इतने व्यस्त हो जाते हो कि ना लाइक करना भी भूल जाते हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करते जाया करो वीडियो को, और आप लोग एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो अगर आप लोग लाइक करते हो तो मेरा भी मन होता है कि मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा अच्छा लेके आऊँ, कुछ अच्छा अच्छा दिखाऊँ, क्योंकि आप लोग भी अपना कीमती टाइम निकाल के देखते हो मेरे वीडियो को, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा दिखा पाऊँ। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए एंड टेक केयर।